हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू नेचर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैक्रम बॉटल हैंगिंग, जो कि मैं आज ग्लास के बॉटल से हैंगिंग मैक्रम बनाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम धागों की बुनाई हम जब बॉटल्स पे करते हैं तब। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैं इसे कैसे रेडी करती हूँ। तो बस वीडियो को देखते जाइए और फॉलो कीजिए स्टेप्स बाय स्टेप। और बुनाई के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मैक्रम का धागा। यहाँ दो दो के मैं तीन पेयर बना लूँगी और बॉटल के जो ऊपर के सर्कल पे मैंने धागा बांधा है उसमें इस तरह से बांधती जाऊँगी। आप बस ध्यान से देखते रहें। मैक्रम का जो धागा होता है वो भी कॉटन से ही बना होता है और काफ़ी कंफर्ट होता है बुनाई के लिए। तो इस तरह से मैंने तीन के पेयर बनाया है और ऊपर से इस तरह से एक सिंपल सा नॉट डाल दूंगी। और इस तरह से पहली बुनाई स्टार्ट होगी, पहले रो की बुनाई अब हम स्टार्ट करते हैं। मैक्रम के दो धागे को ले लेना है और इस तरह से जॉइंट करके हमें डबल गांठ लगानी है ताकि वो खुले नहीं। और ध्यान रहे कि हमें जो बुनाई करनी है वो थोड़ी ढीली होनी चाहिए, लेकिन गांठ अच्छे से टाइट बंधी होनी चाहिए। अगर हम बुनाई ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर ये ऊपर की और बॉटल पे चढ़ जाएगा और ये खूबसूरत भी नहीं दिखेगा। तो आप जैसा देख रहे हो उसी तरह से आप कर सकते हो बुनाई। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि धागे बार बार उलझते हैं, लेकिन जैसे ही आप दो रो कंप्लीट करोगे वैसे ही बुनाई क्लियर हो जाएगी और धागे भी नहीं उलझेंगे। तो बॉटल इस तरह से घुमा घुमा करके आप क्लियर आप बुनाई कर सकते हो। और अब लास्ट रो की भी बुनाई कंप्लीट होने वाली है और जैसे ही बुनाई लास्ट हो जाए, फिनिश हो जाए, तो इस तरह से हमें सारे धागों को बांध लेना है और इसे टाइट सा नॉट लगा देना है, क्योंकि बॉटल का जो पूरा भार है इसी नॉट पे आने वाला है। अगर नॉट हम ढीली लगाएंगे तो फिर बॉटल गिर भी सकती है। तो कोशिश करें कि एक ही नॉट लगाएँ लेकिन पूरी टाइट से लगाएँ। और अब ये बन के रेडी हो गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मैक्रम की बुनाई होने पर। और नीचे से यहाँ से आप लेंथ देख ले, जितना लेंथ रख सकते हैं अच्छा लगे आपको अपने अकॉर्डिंगली उतना रखें और कट कर दें। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें कोई भी वाटर प्रोपोगेशन कर सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए और इसे लटका सकते हैं। और नीचे इस तरह से आप इसको खोल लेंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो मैं यहाँ पर खोल ले रही हूँ इस तरह से धागे को,
नीचे, और एक ब्रश या कंघी के हेल्प से मैं इसके सारे धागों को खोल लूँगी तो काफ़ी खूबसूरत सा एक झालर जैसा लुक देगा। और एट लास्ट बॉटल को हैंगिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड को यूज़ में ला करके आप बॉटल को हैंग कर सकते हैं, या फिर मैं दूसरा मेथड भी शेयर कर दूंगी सिंपल वाला, तो उसको भी आप देख के ला सकते हैं यूज़ में। यदि बॉटल हैंगिंग करने का वो मेथड समझ ना आया हो तो उससे भी इजी और सिंपल मेथड ये है कि एक मैक्रम का धागा ले लेना है, उसके एक सिरे को बॉटल के इस साइड बांधना है और दूसरे सिरे को बॉटल के उसके अपोजिट साइड में इस तरह से यहाँ पे बांधना है। और ये वाला तो बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक से जो कि सभी को आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ग्लास बॉटल रेडी हो गया है हैंगिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने दो बनाया हुआ है मैक्रम हैंगिंग बॉटल, काफ़ी खूबसूरत लगती है इसकी बुनाई मुझे, और वाटर प्रोपोगेशन के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फ्रेंड्स, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने एक छोटा सा और बना लिया है मैक्रम हैंगिंग, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, और अब मैं इसमें वाटर प्रोपोगेशन करूंगी किसी भी प्लांट की। और एट लास्ट दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कमेंट करना ना भूलें, और नए फ्रेंड्स से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और ये बॉटल मैक्रम हैंगिंग का जो आइडिया है वो आप लोगों को कैसा लगा तो वो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।